नमस्कार, मैं रमेश चंदेल, पूर्व सेवक, नगर सेवक। आज हाथीपोल चौराहे से प्रातः गुजर रहा था, लगभग 8:30 के आसपास, तो मैंने देखा, मेरी अचानक से नज़र गिरी कि केवल दो सफाई कर्मचारी जो नवनिर्मित नाला है तांगा के चौक के पास में और हाथीपोल चौकी के पास, तो दो मजदूर काम कर रहे थे। एक ऊपर से खड़ा हुआ अपना औजार चला रहा था, एक अंदर उतरा हुआ था। मैं तुरंत गाड़ी साइड में करके खड़ा हुआ और जाकर के देखा तो उन्होंने ढेर सारा, जो ये ढेर आप देख रहे हैं, इसमें कई सारे पानी की प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक की थैलियाँ और कपड़े लत्ते और कुछ भी सामान, बहुत कुछ ऐसा था जिसका मैं बयान कर नहीं पा रहा हूँ। और मुँह इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे पीड़ा हो रही है मेरे इन सफाई कर्मचारियों को देख करके, कि क्या हम उदयपुर की जनता इतनी विवेकहीन हो गई है, बुद्धिहीन हो गई है। केवल बुद्धिहीन सफाई कर्मचारियों में या प्रशासन में ही है, तो यही लोग हमारे तरफ ध्यान प्रशासन कर रहा है। कितना कर आपके घर के सामने कचरे वाला आता है, कचरा लेने के लिए आता है, वो कचरे वाला नहीं है, वो आपका कचरा साफ करने के लिए आता है। वो आपका माता पिता, भगवान है, माता पिता बच्चों की सेवा करते, वैसे आपका सेवा करते, क्या उनको आपके घर के अंदर भी आपकी सफाई करनी पड़ेगी? आप 4 कदम चल करके उस ऑटो में आप अपना कचरा नहीं डाल सकते। आप नालों और तालाबों में ले जा करके ये बोतलें फेंक रहे हैं। मैंने कल समाचार पत्रों में देखा था, कई जिलों में इतना पानी भर गया कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पानी में फंस गई, रोड पर पानी फैला हुआ है, रोड पर तालाब बना हुआ है, उनमें गाड़ियाँ फंस गई, कई दिवंगत भी हुए कुछ महानुभाव। तो ये सारे किस लिए हुआ? ये जो आज मैं स्थिति देख रहा हूँ, ये बोतलें पड़ी है इस नाले में से, ये भाई लोग निकाल रहे हैं, कितनी पीड़ा हो रही होगी इनको भी, इनके ऊपर झोंके भी चढ़ती होगी, कीटाणु भी लगते होंगे। क्या यही इंसान है? हम लोग इंसान नहीं है? हमारे को इनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? हमारे को अपने शहर के बारे में नहीं सोचना चाहिए? रोजाना ये गाना चलाते हुए चलते हैं, ये प्रताप की नगरी है, इसको स्मार्ट बनाना है। क्या हम लोग ऐसे ही स्मार्ट बनाएंगे? या फिर ये घोड़ा के चौक के पास अभी जो नया नाला बना है, उस नाले का स्थिति देखिए। हम उदयपुर के शहरवासी किस तरीके से हमारे उदयपुर शहर को सुंदर बनाना चाहते हैं महाराणा प्रताप की धरती पर, रोज जो कचरे का टेम्पो निकलता है उसमें एक सुंदर सा गाना बजता है, लेकिन हम लोग कितने जागरूक हैं? ये इस नए नाले जो घोड़े तांगे के चौक में अभी नया नाला बना, इस नाले की ये स्थिति है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं पुराने नालों की क्या स्थिति है। आता है कचरा लेने के लिए आता है, वो कचरे वाला नहीं है, वो आपका कचरा साफ करने के लिए आता है, वो आपका माता पिता, भगवान है, क्यों माता पिता बच्चों की सेवा करते हैं, वैसे आपकी सेवा करते हैं, क्या उनको आपके घर के अंदर भी आकर सफाई करनी पड़ेगी? आप 4 कदम चल करके उस ऑटो में आप अपना कचरा नहीं डाल सकते। आप नालों और तालाबों में ले जा करके ये बोतलें फेंक रहे हैं। मैंने कल समाचार पत्रों में देखा था, कई जिलों में इतना पानी भर गया कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पानी में फंस गई, रोड पर पानी फैला हुआ है, रोड पर तालाब बना हुआ है, उनमें गाड़ियाँ फंस गई, कई दिवंगत भी हुए कुछ महानुभाव। तो ये सारे किस लिए हुआ? ये जो आज मैं स्थिति देख रहा हूँ, ये बोतलें पड़ी है इस नाले में से, ये भाई लोग निकाल रहे हैं, कितनी पीड़ा हो रही होगी इनको भी, इनके ऊपर झोंके भी चढ़ती होगी, कीटाणु भी लगते होंगे। क्या यही इंसान है? हम लोग इंसान नहीं है? हमारे को इनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? हमारे को अपने शहर के बारे में नहीं सोचना चाहिए? रोजाना ये गाना चलाते हुए चलते हैं, ये प्रताप की नगरी है, इसको स्मार्ट बनाना है। क्या हम लोग ऐसे ही स्मार्ट बनाएंगे? या फिर प्रशासन की और इन सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि ये हमारे उदयपुर को सुंदर स्वस्थ बनाए? क्यों नहीं हम अपनी बुद्धि का, विवेक का उपयोग करके ऐसी चीज़ों को नालों में फेंकने से बचे, और जो घर पर, घर के सामने ही आपके कचरा लेने के लिए आता है, उसके समर्पित करें? मैंने भी कभी ऐसा
जाने अनजाने में कर दिया होगा कि फूलों का पूजन का जो सामग्री मैंने कभी तालाब में डाल दी होगी या बहते हुए पानी में डाली है। वैसे अक्सर तो मैंने बहते हुए पानी में ही डाली होगी, लेकिन वो आती तालाब में ही है, तो ये भी है तो गलत ही है। मैं भी बुद्धिहीन हो गया था उस समय, लेकिन जब से नगर निगम ने स्थान बनाए हैं कि आपका पूजन का सामग्री वहाँ डालनी है, तब से हम उसका उपयोग कर रहे हैं। और आज इतनी सामग्री बनती नहीं है तो नवरात्रों में आदि में बनती, लेकिन वर्तमान में जो ये स्थिति देख रहा हूँ, इस नाले की स्थिति देख रहा हूँ, तो ऐसे इन्होंने कई नाले साफ किए, 3-4 नाले साफ किए। अभी मैंने इस भाई से पूछा तो बोल रहा है कि हम करते आते हैं। इसी तरीके से सीवरेज का काम करने वाले भी सफाई कर्मचारी होते, वो दिवंगत हो गए, उनके लिए कोई राजनेता नहीं गया उनको परिवार को सांत्वना देने, उनको मुआवजा देने। केवल और केवल वाल्मीकि समाज, भंगी समाज ही मुआवजे के लिए लड़ा है, भंगी समाज ने संघर्ष किया है, कोई नहीं आता। तो क्या ये इंसान नहीं है? उदयपुर की सारी जनता ही इंसान है जो ये डाले और हम सफाई कर्मचारी इसका निदान निकाले। मेरे आप लोगों से, उदयपुर शहरवासियों से विनम्र प्रार्थना है कि आप ऐसा करते हुए किसी भी व्यक्ति को देखें, उसका फोटो खींचे और प्रशासन को दें, पुलिस प्रशासन को दें कि ये आदमी इस तरीके से पानी की बोतल है या थैली है पानी में डाल रहा है या नाले में डाल रहा है, तो उसे रोकें। और इसी प्रकार शक्ति होगी, बाकी तो ये चलता रहा है सदियों से, शायद ये चलता रहेगा। और इसी तरीके से वाल्मीकि समाज आप लोगों के पेड़ चढ़ता रहेगा। मेरा निवेदन है कि आप इस बात को गंभीरता से लें। कल को अगर हाथीपोल एरिया में सड़कों पर पानी फैलेगा, पानी भरेगा, वहाँ गाड़ियाँ फंसेगी तो प्रशासन को गालियाँ देंगे, शहर के विधायकों को गालियाँ देंगे, शहर के जनप्रतिनिधियों को गालियाँ देंगे। क्या वही दोषी हैं? हम दोषी नहीं हैं। अरे सबसे पहले दोषी तो हम हैं जो ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। अगर नाला साफ रहेगा, नाले में इस प्रकार की वस्तुएं नहीं जाएगी, पानी की बोतलें नहीं जाएगी, जो गलती ही नहीं है, जो वो नालों को जाम करती है, तो वो अगर नाले जाम नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस प्रकार की गलती करने से बचें और सफाई कर्मचारियों को भी थोड़ा सा सम्मान दें। धन्यवाद। जय भारत। जय हिंद।